दर्शन नहीं हुआ। तो अभी आपने करणी माता के दर्शन किए, करणी माता के मंदिर जिसे चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, आपने चूहों के भी दर्शन किए। कितने चूहे होंगे ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये संख्या लाखों में ज़रूर है। अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ चूहे दूध पी रहे हैं। देखिए आप, ये एक बड़ा सा थाल पड़ा हुआ है, इसमें सब दूध पी रहे हैं। लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आते हैं।
मैं तो वोट डाल मैं बना दीजिए। लोकल भैया मुझे मिल गए और उन्होंने कहा आपका हम बना देते हैं, तो हमने उनको दे दिया। तो हम इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा पूरन है। पूरन जी कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के गंगानगर के। अच्छा, तो ये मंदिर में आप कब से आते जाते हैं? मुझे हो गए लगभग 3-4 साल हो गए। मैं माता जी की पूजा करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। हाँ बताइए ना। ये पवन धाम है करनी माता के। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि घर में एक चूहा हो ना तो हमें पता लग जाता है घर में चूहा है। तो यहाँ पे हजारों चूहे, हमें यहाँ की जो है खुशबू है वो नहीं आती है। अच्छा, एक एक चूहा हमें अच्छे से मिलता है। अच्छे से मिलता है, सब जीवित है। हाँ जी, सब खा रहे हैं ना, आदमी से डर रहे हैं ना आदमी। हाँ जी हाँ जी, ये जब 4 बजे की आरती होगी तो सब चूहे जो बाहर निकल के आएंगे। अच्छा, आरती के टाइम इकट्ठे होंगे सारे, इकट्ठे होंगे। ऐसा रोज होता है? हाँ रोज होता है जी। तो ये शाम की आरती में और सुबह की आरती की आरती में। तो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है ये? हाँ जी हाँ जी, सबसे बड़ा मंदिर है करनी माता का। चलिए धन्यवाद। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मौर्या बाबा, उस पर आपको देखना मिलेगा। ठीक है आप अपने पास मोबाइल है आपके पास? सर, है सर। उसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। दीपक जी आप जरा शूटिंग कर, तो ये अपना देख पाएंगे ना। नेट खोल दो, मैं नाम डाल लेता हूँ। आपका यूट्यूब कहाँ है? बहुत अच्छा धाम है ये, हम तो आए साल। नहीं नहीं भैया, आप लोग तो राजस्थान में इतने नजदीक हैं। मैंने माता जी के घर पे जागरण किया और रात में जोत की थी करनी माता की, और किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। जोत बहुत ऊंची है, इसकी मेहरबानी है, तो सदा बनाए रखना माता, हरे वक्त पे बनाए रखना। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हाँ जी, हर किसी को, हर माता की, हर मनोकामना, हर भक्त की पूरी करें। नहीं, आपका भी कर देते हैं और ये हम शाम तक डाल देंगे। आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, देखिएगा। आपसे मिलके बहुत खुशी मिली, शायद माता जी ने आपको मुझसे मिलने के लिए ही भेजा। जी सर। तो माता के धाम में। अच्छा, ये जो हमने कैमरा किया इसका पैसा भरना है, कहाँ भरेंगे? 30 रुपया लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन कोई यहाँ पैसा लेने वाला नहीं, दिख ये नहीं। देखो ये माता जी का धाम है, ठीक, कोई किसी को हाथ में देने की जरूरत नहीं, अपने गुल्लक में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जय माता जी। जय माता जी। और भगत जी इसके एक और धाम है, वो इसके पास ही है, आपको टेम्पो पर जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर है। अभी हमारे साथ बहुत लोग हैं, हमारे धाम में नहीं है। अच्छा जी। और ये आप 50 रुपये रख लीजिए, 50 रुपये माता जी को डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलो ये बड़ा भव्य दरवाजा है। Mm-hmm.